हाय दोस्तों, मैं युवराज कटारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्रीराम गैरेज। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले। ये देखिए, ये महिंद्रा अर्थ मास्टर मशीन है। इसका इंजन में पानी उतर चुका है नीचे इंजन ऑयल में, तो हम अभी इसका इंजन खोलने वाले हैं, हाफ इंजन का पूरा काम करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। अभी हम इसको खोलने का ही वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद इसका फिटिंग का वीडियो भी आएगा। तो इसको खोलना कैसे है ये आज हम जानेंगे कि इंजन को खोलना कैसे है। ये देखिए, यहाँ से इसका ड्रेन प्लग आता है, यहाँ से हम इसका ऑयल निकाल सकते हैं। ये देखिए, हमने इसका ऑयल निकाल लिया है। इसमें पानी गया था इसलिए ये देखिए पूरा 20 लीटर का बाल्टी भर चुका है, क्योंकि उसमें पानी जा चुका था। बैटरी का वायर खोल लेना है, क्योंकि आगे से हमें पूरी वायरिंग भी खोलने की है, इसलिए बैटरी का वायर पहले निकाल देना है। उसके बाद अभी हम चैम्बर निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है वीडियो का ताकि ज़्यादा टाइम पास ना हो। ये देखिए, यहाँ पे पीछे भी 19 के 4 बोल्ट लगे हुए रहते हैं चैम्बर को। ये देखिए, ये 4 बोल्ट निकालना है, आगे के पूरे 12 के बोल्ट रहते हैं वो सभी निकाल लेना है, और फिर ये चैम्बर को हम निकाल सकते हैं। ये देखिए, चैम्बर हमारा निकल चुका है। उसके बाद अभी ये हम ये सब भी पाइप, ऊपर से पाइप खोल लेंगे, ये एयर फिल्टर बॉडी निकाल लेंगे, क्योंकि ऊपर से हमें पूरा खोलना है इसको। ये देखिए, इस तरह से ये पाइप खोल के ये फिल्टर का बॉडी भी खोल लेंगे। ये देखिए, फिल्टर का बॉडी हमारा निकल चुका है। अभी ये सब वायरिंग पाइप सब हम खोल लेंगे ऊपर से इसका। ये देखिए, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें बहुत दी हुई रहती है ऊपर इसको, इसीलिए अगर पूरा धीरे धीरे बताएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा स्पीड बढ़ाया है इसका। ये देखिए, ये ऑल्टरनेटर में यहाँ पीछे ऑयल के 2 पाइप भी लगे हुए रहते हैं। ये देखिए, इसको हमने ऊपर से खोला, ये दूसरे पाइप को हमने यहाँ से नीचे से खोल लिया है। और ये 13 का बोल्ट रहता है ये यहाँ से निकाल के, और ये वायर की बोल्ट लगी हुई है, ये वायर की बोल्ट खोल के भी इसको हम अभी ऑल्टरनेटर को भी निकाल लेंगे। ये देखिए, ऑल्टरनेटर हमारा निकल चुका है, ये देखिए निकल चुका है। उसके बाद ये पाइप खोल लेंगे ये इधर से। ये देखिए, ये एयर किन्नर के पाइप में इधर लगा हुआ रहता है, इसमें एक पानी का पाइप भी लगा हुआ रहता है। ये देखिए, ये वाटर पाइप भी यहाँ पे लगा हुआ रहता है, इसको भी खोल लेंगे। ये देखिए, यहाँ से वाटर सप्लाई का पाइप भी रहता है इसमें, ये इधर भी लगा हुआ रहता है वाटर सप्लाई का पाइप, ये इधर से भी खोल लेंगे उसको। ये देखिए, यहाँ से ये बोल्ट निकाल के ये वाटर पाइप का पाइप भी निकाल लेंगे, ये पूरा साथ में ही निकल जाएगा। ये देखिए, ये निकल चुका है, ये यहाँ से ये पाइप हमारा। ये देखिए, अभी ये साइलेंसर निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ से खोल के इसको साइलेंसर को निकाल सकते हैं। ये देखिए, बोल्ट निकाल के, ये स्प्रिंग लगी हुई रहती है इसमें। उसके बाद ये मैनिफोल्ड खोल लेंगे। ये देखिए, यहाँ से ये मैनिफोल्ड निकल जाता है। ये देखिए, यहाँ पे ये एक पाइप लगा हुआ है ये ऊपर के इसका। ये देखिए, ये ऊपर यहाँ से ऐसा दिया हुआ रहता है इसको, उसमें भी एक पाइप लगा हुआ रहता है, ये दोनों पाइप खोल के निकाल सकते हैं। उसके बाद ये ऊपर के रॉकर कवर के भी बोल्ट हम खोल सकते हैं, इसमें भी 12 के बोल्ट दिए हुए रहते हैं। ये देखिए, ये मैनिफोल्ड भी हमारा ये खुल गया है, तो यहाँ पे 13 के बोल्ट दिए हुए रहते हैं। ये मैनिफोल्ड 13 के बोल्ट खोल के ये मैनिफोल्ड निकाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये निकल जाएगा। ये देखिए, हमारा मैनिफोल्ड भी निकल चुका है। अभी हम ये नोजल पाइप खोल लेंगे, क्योंकि हमें हेड भी उतारने का है। तो अभी ये पहले नोजल पाइप हम खोल लेंगे, नोजल पाइप खोल लेंगे, ये साइड में इसको सपोर्ट दिया हुआ रहता है उसको भी निकाल लेंगे। उसके बाद अभी ये देखिए, ये नोजल पाइप ऊपर से हमने खोल दिए थे, अभी नीचे से भी खोल लेंगे चारों पाइप और निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये देखिए, ये पाइप हमारा निकल चुका है। ये देखिए, दोनों ही पाइप हमारे निकल चुके हैं। अभी हम ये रिटर्न पाइप के, ये देखिए, ऐसे ये विंड जो है वो निकाल लेंगे, ये साइलेंसर निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये साइलेंसर में ऑयल का टर्बो में पाइप लगा हुआ रहता है, उसको भी निकाल लेंगे ये, और ये पैकिंग भी निकाल लेंगे साइलेंसर की। उसके बाद अभी ये ऊपर का हम रॉकर कवर निकाल लेंगे। ये देखिए, उसके बाद अभी ये रॉकर खोल लेंगे। इसके रॉकर सभी अलग अलग आते हैं, ये देखिए। और ये नोजल ऐसे, इसको कैप लगी हुई रहती है, तो इसको ऐसे ठोक के हम निकाल सकते हैं, ये निकल जाते हैं। ये देखिए, उस नोजल में कैप लगी हुई रहती है, तो उसको खोल के निकाल सकते हैं।
ये देखिए ये रॉकर भी हम दो दो बोल्ट लगे हुए रहते हैं, 13 के रॉकर में भी दोनों दोनों बोल्ट खोल के, एक नट रहता है एक बोल्ट रहता है, ऐसे खोल के हम ये रॉकर निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारे चारों रॉकर निकल चुके हैं। उसके बाद ये हमें पुश रॉड निकाल लेने हैं। अभी हम इसको हेड खोल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये हेड हमें खोल लेना है, हेड के पूरे बोल्ट निकाल लेना है। हेड के पूरे बोल्ट निकाल के ये देखिए इसे उठा के ये यहाँ से ये पाइप खोल लेंगे। और ये देखिए ये ऐसा हेड हमारा निकल चुका है। ये देखिए पिस्टन पकड़े हुए है इसमें, पूरा दिख रहा है। और ये देखिए ये पानी यहाँ से डायरेक्ट स्लीव में से लीकेज हो रहा है। अभी हम इसका ऑयल पम्प खोल लेंगे। ये देखिए ऑयल पम्प इसका पीछे की साइड रहता है यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए हमारा ऑयल पम्प निकल चुका है। अभी हम पिस्टन निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ से ये नीचे से खोल लेना है इसको। कनेक्टिंग के जो बोल्ट है इसमें 14 की गोटी बैठती है, 14 की गोटी लगा के हम इसको खोल सकते हैं 14 की गोटी से। ये देखिए हमारा कैप निकल चुका है रॉकर का। अभी हम ये पिस्टन निकाल लेंगे। ये देखिए पिस्टन निकल चुके हैं। ये देखिए अभी ये स्लीव भी ऐसे ठोकने से आसानी से निकल जाते हैं। इसको ज़्यादा कुछ टाइट रहते नहीं है क्योंकि इसमें ओरिंग दो ही बैठती है। ये देखिए दो दो ओरिंग बैठती है सिर्फ, और इसकी ओरिंग भी कट चुकी थी इसलिए पानी जा रहा था। उसके बाद हम ये पिस्टन भी खोल लेंगे।